हमारा मसला ये है कि जो 22 सीटें हैं पंजाब के उम्र मेरिट बेसिस पर जो बोलान मेडिकल कॉलेज की तरफ से हर साल जाते हैं, इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिए हैं, जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारा यही मुतालबा है कि वो जल्द से जल्द बहाल की जाएँ ताकि हम अपनी तालीम जारी रखें। और हमारा दूसरा मसला ये है कि जो फेडरल कोटा के बेसिस पर 3 सीटें बलूचिस्तान की लड़कियों को दी जाती थी, वो भी पूरे तौर पर एबोलिश कर दी गई हैं। उनको भी फौरन बहाल की जाएँ ताकि वो भी अपनी तालीम जारी रखें। सारे वज़ीरों को हमने लेटर भी लिखे हैं और डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी उनको हाथ में दिए हैं। ये मसला सेनेट में भी उठाया गया है, सूबाई असेंबली में उठाया गया है। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हड़ताल की तरफ जाएंगे। ये सीटें सर हमें 1972 से दी गई हैं गुडविल और रेसिप्रोकल के बेसिस पे। इसके अलावा सर 3 सीटें फेडरल कोटा के तहत फीमेल्स को फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर में दी गई है। तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारी सीटें हैं वो हाई रैंकिंग मेडिकल कॉलेज से रीशफल करके जो न्यू कॉलेजेस बने हैं जो लो रैंक हैं जिसमें डीजी खान, री मैार खान और साहिवाल का कॉलेज आता है वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। 17 मंथ्स हमें वेट करवाया गया हमें, और अभी जो है हमें 1 हफ्ते पहले हमारी वो सीटें रीशफल कर दी गई वहाँ पे। तो हुकूमत बलूचिस्तान से ये दरख्वास्त है कि हमारे जो है ना जल्दी से जल्दी वो वापस रिस्टोर करवाई जाए ताकि हम अपने कॉलेज को अटेंड कर सकें और अपनी तालीम जारी रह सकें।